नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस कवर कराएंगे। 100 क्वेश्चन का ये वीडियो, जिसमें टोटल क्वेश्चन तो 1000 है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1000 क्वेश्चन है, और ये स्लाइड आपकी पूरी जब तक 100 क्वेश्चन के 10 सेट कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी चलेगी। तो वीडियो स्लाइड बहुत बड़ी है, तो पहले हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद में 100 के 10 वीडियो बनेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ आपके लिए रोज़ मिलेगी। 10 वीडियो मिलेंगे 100-100 क्वेश्चन के। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है? तो सूरत 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला भारत का पहला जिला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था? तो माइकल ओडायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मास्टरमाइंड एक प्रकार से कहें तो उसी के कहने पर हुआ था। 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध पानीपत हरियाणा में हुए थे। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया था। 1857 में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में जबरदस्ती प्रयोग कराना क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? तो म्यांमार यानी कि वर्मा में भेज दिया था। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक की होती है? तो 3 माह तक की होती है चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता। सार के अध्यक्ष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में सार के अध्यक्ष का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत गुजरात में लगाया था। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 324 द्वीप हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग हॉलैंड नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को बाह आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह आकाश काला दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या था? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम दक्षिण गंगोत्री था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है?
तो सुरक्षा परिषद जो है शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो कि रूस से थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक स्थान जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे हुए हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप कामाख्या असम का पुराना नाम है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जी आईने अकबरी के लेखक हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल में आगा खां कप दिया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस यूनान में 1896 में शुरू हुए थे। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसे ईमेल करना कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉप्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉप्स की स्थापना की थी। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिजा परीक्षण करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे.जे. थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनती है? तो नाइक्रोम धातु की इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनती है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है।
एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो माइकल फ्लेप्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट 1 किलोबाइट में होते हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन एलपीजी गैस में भरी होती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल में एलबीडब्ल्यू शब्द प्रयोग किया जाता है। एशिया का नोबल किसे कहते हैं? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल कहा जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो करणम मलेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले पदक जीता था, जो कि एक भारतीय महिला है। 101 से 200 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सीरीज में कराए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1000 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये लास्ट का क्वेश्चन 1000 है ना। तो आप सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने जल्दी पार्ट्स कवर कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये 100 MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर है। स्टेट PCS और लेखपाल के क्वेश्चन से मिलकर ये बना टेस्ट सेट पेपर है, जिसमें आपके लिए हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, GK और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिक्स मिलेंगे। 100 प्रश्न का ये वीडियो MCQ पैटर्न पर बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन के साथ में ही हैं, फिर भी मैं आपको हर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आंसर आपको पहले से ही पता रहेंगे। तो आप चेक करिए 100 में से कितने क्वेश्चन हैं जो आपसे बनते हैं, जो इस पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने के लिए आपके लिए। और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो अनुभव की संपत्ति, यानी कि जितनी असफलता रहेगी आपके लिए उसके बारे में जानकारी, अनुभव मिलेगा कि क्या चीज़ करने से आपको पिछले काम में असफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो मनुष्य को सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? मनीषी मतलब बुद्धिजीवियों ने, तो मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने सफलता की कुंजी असफलता को कहा है। जितना आप फेल होंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस के करीब होंगे, क्योंकि आपको पुराने जो भी फेलियर्स हैं उनसे सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में जीवन की सार्थकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है? तो वीर, धन, अंगना, इनमें ऑप्शंस में सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मृत्यु के समीप होना कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शलाका का तद्भव रूप क्या है? तद्भव तत्सम आपने पढ़े ही होंगे, शलाका का तद्भव रूप सिलाई है, ऑप्शन नंबर D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आनंद शब्द में उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आनंद शब्द का पर्यायवाची मोह, मोद और हर्ष है, ऑप्शन नंबर A
मोद और हर्ष आनंद का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? समास संधि आप जानते ही हैं, अपना और पराया द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो संबल शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो यहाँ पर कृपण और दाता, ये सही विलोम युग्म है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, कृपण और दाता विकल्प में सही विलोम युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनपति का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो जीवनपति का समानार्थी शब्द यमराज है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे हम कहेंगे अतींद्रिय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुरलिंग शब्द होगा? तो विवाह शब्द पुरलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। पंखा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा शब्द का बहुवचन पंखे है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? तो दुशासन का संधि विग्रह होगा दुहधन शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो ललायत शब्द की वर्तनी सही है। राइट आंसर हो जाएगा, सही से लिखा है ललायत। निम्न शब्दों पर विचार करना है, यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन भी हैं, और अधो गति उज्ज्वल विस्मरण हितैषी। किस शब्द में सही शब्द शुद्ध है? कौन सा इनमें से चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो तीन और चार शुद्ध शब्द हैं, यानी कि विस्मरण और हितैषी सही से लिखे हैं, बाकी उज्ज्वल और अधोगति इसका लिखना सही नहीं है। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या होता है? तो समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हरी मोहन को रुपये देता है रेखांकित में कौन सा कारक है? हरी मोहन को रुपये देता में संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द होगा। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे वाक्य में कौन सा भाग अशुद्ध है? तो यहाँ पर अनेकों जो लिखा हुआ है, अनेकों लोग, ये इस वाक्य में अशुद्ध होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द अक्षर है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर पहला तीसरा और चौथा वाक्य अशुद्ध है, उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। जब मृत्यु दंड बोल ही दिया तो सजा शब्द दोबारा यूज नहीं करना था। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये आपको समझ में ही आ रहा है गलत है। मेरे को उससे बात नहीं करनी है, यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला तीसरा और चौथा जो है ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो NH2 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो थारू जनजाति की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित हो रहा है। निम्न में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल डमरू भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी को उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से आपको मिलाना है, तो बांध है और नदी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गोविंद पल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी, परीक्षा बांध जो बेतवा नदी, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी, जामिनी बांध जामिनी नदी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर आप कंप्यूटर का वायरस का पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे स्पैम ईमेल आते हैं जिनको हम ओपन करते हैं तो वो वायरस होते हैं और वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर सॉफ्टवेयर पर अटैक कर देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ हो सकता है, तो प्रदूषण और खपत दोनों में ही कमी आएगी। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को ऐसे लाभ पहुंचा सकते हैं। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गए हैं, तो रिधम ममानिया जी हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप में फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलोकूट नाम दिया गया, तो हैदराबाद रियासत के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था उसको ऑपरेशन पोलोकूट नाम दिया गया था। किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी, तो 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक चीन में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, तो बाफिन द्वीप कनाडा देश में स्थित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, तो सिक्किम राज्य में भारत में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। ईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी का फुल फॉर्म है। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद में रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था तो भारत के वायसराय थे। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सम्मिलित है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो साबरमती से महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में यूपी मातृभूमि योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए शुरू की गई है, तो उज्ज्वला योजना इसके लिए शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता के निर्माण के लिए शुरू की गई है, तो इस योजना का नाम है उस्ताद योजना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है, तो ट्रेड योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो कि हाई स्कूल पास हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, तो कन्या विद्याधन योजना के तहत 30,000 रुपये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय या नोडल विभाग जो है आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वॉट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान प्राप्त है, तो 30% के लिए अनुदान वो प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन को संभालता है, नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएँ, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती है, तो JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना ये सारी फैसिलिटीज़ देती है।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो बाल विकास से ही पता चल रहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो पंचायत राज मंत्रालय द्वारा SVA MITVA स्वामित्व योजना, आपने नाम सुना होगा स्वामित्व योजना जो है प्रौद्योगिकी के मानचित्रण के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो PMGSYC राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क के विकास के लिए है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाने से संबंधित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाने से है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है? तो इस योजना का नाम है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवा बुजुर्गों विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो NSAP योजना बुजुर्ग विधवाओं विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित है? तो लखनऊ में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है। भारत सरकार को निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो SGRY योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। UP RRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2003 में यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दूसरा जो था किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2020 में दूसरा चरण शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन का। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य पहल है? तो उत्तर प्रदेश HMIC स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य पहल है। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तर जीविका को सुनिश्चित करना है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य बालिकाओं की उत्तर जीविता को सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। निम्नलिखित में से किस विकास संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादक को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा पुनर्वास और पुनः उत्पन्न कराना है? तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम ये कार्य देखता है। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो फार्मर फील्ड स्कूल FFS का भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन स्टेट PCS लेखपाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरीके के और भी मेरे पास क्वेश्चन है जो वीडियो के फॉर्म में आपके लिए नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं GK के, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम की आप तैयारी करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 100 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कौन से स्थल से होता है? तो हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। अंकलेश्वर या अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है।
उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रमुख खाद्य फसल चावल है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस हाल ही में शुरू हुआ है, ये पारंपरिक नहीं है, यानी कि अपारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। ऋतु प्रवास क्रिया कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो भोटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास की क्रिया करते हैं। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊष्मीय शक्ति संयंत्र के लिए ओबरा प्रसिद्ध है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला प्रसिद्ध है। किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में देखा जाता है? तो 1921 वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक के रूप में देखा जाता है। किसकी खेती काट छाट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती में पत्तियों की काट छाट अनिवार्य होती है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र स्टेशन है? तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्टेशन तारापुर नामक स्थान पर है। किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? तो प्याज यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन है, नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। कॉफी बवाइम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। कौन इनमें से लोह क्षेत्र है? तो ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लोह क्षेत्र है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो उड़ीसा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा स्थान नक्काशी या काशीदारी के चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। कौन सी नहर पश्चिम बंग में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंग में इंडियन नहर स्थित है। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंभात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। खरीफ की फसल बोई जाती है कब? तो कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, मानसून के प्रारंभ होने पर। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर खेती की अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती होती है। जल विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, कोयना में जल विद्युत ग्रह है। किस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित हुई है? तो पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात राज्य भी सबसे आगे है। झूमिंग कृषि क्या है? तो झूमिंग एक कृषि का तरीका है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्थान को कृषि योग्य बनाने के लिए वनों को पेड़ पौधों को काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाया जाता है। टोडा झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर है? तो असम में सर्वाधिक झूमिंग का प्रयोग किया जाता है, चाय के बागानों के लिए असम में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर होती है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। नारियल जूट उद्योग कहाँ पर है? तो केरल में नारियल जूट उद्योग है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पिंपरी पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र है। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है। बागान कृषि पैदा करती है, तो खाद्येतर फसलें बागान कृषि से पैदा होती हैं। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन क्या है? तो पानी बिजली का नवीनकरणीय संसाधन है। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्रामपुर कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है बोकारो इस्पात कारखाने में। भारत का अग्रणीय पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का अग्रणीय पेट्रोलियम उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब भारत का प्रथम सौर शहर है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र जो है, शैल तंत्र, रॉक तंत्र भारत का सबसे ज़्यादा खनिज युक्त रॉक तंत्र है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु भारत का सबसे नगरीकृत राज्य है।
भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत के राज्यों में किसमें अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्रफल है उसमें अधिक क्षेत्र पर बुआई होती है। भारत के अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट बालू, केरल में इसका सबसे अधिक भंडार है। भारत में कुल्लू घाटी की खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी की खेती सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूँ अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चीनी के सर्वप्रथम तीन अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन अभी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में जस्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 6 भारत में नगरीय केंद्र है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से भारत में पीत क्रांति संबंधित है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला सबसे ज़्यादा उद्योगों में ऊर्जा का स्रोत है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ में भारत का सबसे पहला सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है। सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य जो अनाज है वो चावल है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करने वाला प्रदेश है। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? तो ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए लुधियाना और धारीवाल जो है भारत में प्रसिद्ध है। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो जापान को भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किसका है? तो अभ्रक का भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पश्चिमी जर्मनी में भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। भिलाई, बुध और राउरकेला में लोहे और इस्पात की उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए? तो भिलाई, बुध और राउरकेला में जो इस्पात उद्योग संयंत्र स्थापित हुए हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है? तो अखबारी कागज का कारखाना है नेपा नगर में। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो दिल्ली में सर्वाधिक है मलिन बस्ती की जनसंख्या। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल से मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा संबंधित है। राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलुज से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो एक पनबिजली संयंत्र है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर का बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला या रिफाइनरी कहाँ पर है? तो दिग्बोई में सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला या रिफाइनरी है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोह उत्खनन के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ हल्दिया बंदरगाह से आयात किए जाते हैं। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो रत्नागिरी हापुस आम का मूल स्थान है जिसको GI टैग भी मिला है।
हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर हीरा परियोजना, हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो को यूं ही आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ये वीडियो देख सकते हैं। 100 प्रश्न सिलेक्टेड हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ लाइक हमारे लिए मोटिवेशन देता है आपके लिए और मेहनत करने के लिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा जी ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजार जी इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? तो मौलाना आज़ाद जी का यह कथन था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित हैं? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली क्या है? तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली वाराणसी है। 1915-16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों ने नेतृत्व में शुरू की थी? तो 1915-16 में होम रूल लीग जो है तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू की गई थी। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण वापस ले लिया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पूना पैक्ट के बाद में जो स्थापित हुआ हरिजन सेवा संघ, सेवक संघ, इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला जी थे। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए आंदोलन का नाम क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता जी थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह जी ने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के द्वारा विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी?
तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था? तो चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने गांधी जी को फरवरी 2022 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। आर्यों के आदिदेश के बारे में किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा है। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप जी ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों के द्वारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी को अंग्रेजों ने मार डाला था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी खिलाफत आंदोलन के बाद। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल जी ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। जतिन दास जी किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र मामले में जतिन दास जी बंदी बनाए गए थे। जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियावाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो ऊधम सिंह जी ने जलियावाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को मारा था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। देवबंद आंदोलन यूपी उस समय जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था किस वर्ष में हुआ था? तो यूपी संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1912 में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, बहिष्कार का यह मुख्य कारण था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 का तिथि क्यों मानी जाती है महत्वपूर्ण? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था, इसीलिए 6 अप्रैल 1930 की तिथि महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 तिथि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने के लिए जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य 1929 में घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य वर्ष 1929 में घोषित किया था। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बी आर अम्बेडकर जी ने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी? तो देश में विभाजन का आधार माउंटबेटन योजना बनी थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां जी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो कर्जन द्वारा 1905 में किए गए विभाजन को 1912 में निरस्त किया गया। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष 1919 में चुना गया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव खली कुजम्मा ने रखा था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापित की थी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सोम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था। दोस्तों, ये सीरीज़ आगे यूँ ही जारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए 250 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर हर दिन के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो आलमारा भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म थी। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां पर स्थित है? तो भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कल्पक्कम में स्थित है।
समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा कोड जो है खेलों में प्रतिबंधित दवाओं को लेने के लिए संबंधित है। भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित है? तो भारतीय वायुसेना 5 कमानों में संगठित है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ पर जीता था? तो एम्स्टर्डम में भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो रीता फारिया ने भारत की महिला जिन्होंने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बनने वाले भारतीय थे। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में होता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पंकज आडवाणी विलियर्ड खेल से संबंधित हैं। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से राष्ट्रगीत लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। भारत की प्रथम नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी उनका नाम क्या है? तो बिछेंद्री पाल जी उनका नाम है जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ पर बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? तो पुणे में नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सी राजा गोपालाचारी को भारत रत्न अलंकरण सबसे पहले प्रदान किया गया था। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। शक संवत का प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट के समान ऑफिसर रैंक का होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से पोंगल उत्सव संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 एथेंस से प्रारंभ हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को न्यायाधीश की कार्यावधि होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू असम राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक थे? तो अमेरिका देश के नागरिक हैं गाटा कामस्की जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है जियाना। देश में सबसे ज़्यादा ATM किस बैंक के हैं? तो SBI के देश में सबसे ज़्यादा ATM है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग होता है। किन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित पहली क्रूज मिसाइल है। सूर्योदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो टेनिस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो माउंट मैकेनले आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वर्ष 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो क्रिकेट खेल में नेटवेस्ट ट्रॉफी दी जाती है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं?
तो एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया था, जो कि विदेशी थे। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो गोदान और गबन दोनों मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके बनी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग 45% है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाते हैं। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर उड़ीसा राज्य में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन से देश का है? तो सैन मेरिनो का लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी खेल में बैटिंग ब्लॉक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति अमर्त्य सेन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेज के लेखक हैं। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है? तो फजलका के बाद भोपाल मध्य प्रदेश में देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 4 खिलाड़ी पोलो खेल में भाग लेते हैं। गीत सेठी कौन से खेल से पारंगत हैं? तो गीत सेठी स्नूकर में पारंगत खिलाड़ी हैं। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है गिद्दा नृत्य। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो हर 4 वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या 24 है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जी चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1953 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात उड़ीसा राज्य में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव संबंधित है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में नौसेना एकेडमी स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहते हैं? तो नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस देश की मुद्रा का नाम रूबल है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो के कस्तूरी रंगन भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं।
राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने के लिए करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का मतलब क्या होता है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उबेर कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो महिला बैडमिंटन में उबेर कप दिया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी बीजक के रचयिता हैं। एयर इंडिया का विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो हरप्रीत अहलुवालिया जी एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला थी। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट खेल में रानी झांसी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टेनिस से जुड़ा हुआ है ग्रैंड स्लैम। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो APJ अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2002 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC की स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान पूना में स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग देश का नाम है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो INS सिंधु शस्त्र भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए थे? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में कोणार्क मंदिर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। रोबोट से सर्जरी कराने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो AK हेमल रोबोट से सर्जरी कराने वाले पहले भारतीय थे। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूना देवी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो लग्जमबर्ग विश्व का एकमात्र देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी जी थी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो शब्द आयरन गोल्फ खेल से संबंधित है। क्रिकेट के बल्ले की अनुमानतम लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच क्रिकेट के बल्ले की अनुमानतम लंबाई होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव विजयलक्ष्मी पंडित जी को प्राप्त है। हृदय प्रत्यारोपित करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन है? तो हृदय प्रत्यारोपित करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर V वेणुगोपाल जी हैं। वायुसेना अकेडमी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में वायुसेना अकेडमी स्थित है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही चंद्रप्रभा इतवाल जी हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो जापान का राजतंत्र संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। विश्व के सबसे गर्म स्थान का नाम क्या है? तो अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना की गई? तो कोलकाता में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना की गई।
नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, तो भारत के प्रदेश उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। गर्भानंद का संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात राज्य से गर्भानंद संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कब स्वीकार किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग 1946 में स्वीकार किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, तो रोज मिलन मैथ्यू जी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय थलसेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के बराबर होता है, तो भारतीय थलसेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के कॉमोडोर के बराबर होता है। संसार में सबसे लंबे कद के लोग किस प्रजाति के होते हैं, तो दलमेशिया में संसार के सबसे लंबे कद के लोग मिलते हैं। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, तो कोलकाता में क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम है। भारत के किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, तो हिंदी भाषा में भारत में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई, तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई, जिसे हम इसरो भी कहते हैं। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुए, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो जनरल मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। कोशिकी तथा आण्विक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो कोशिकी तथा आण्विक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई, तो कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है, तो विश्व बैंक 5 संस्थाओं का समूह है। भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के बराबर होता है, तो भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अरब सागर की रानी किस नगर को कहते हैं, तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था, तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है, तो डेल विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिवेली जी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1945 में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई। आशियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, तो जकार्ता में आशियान का सचिवालय स्थित है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो राकेश शर्मा जी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोकनृत्य है, तो बिहार राज्य का लोकनृत्य है सामा चकेवा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है, तो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं, तो ब्राजील के देश से संबंधित है प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ था। राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1972 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू हुआ था। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं, तो विश्वनाथ आनंद जी शतरंज खेल में विख्यात हैं। कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं, तो स्पेन की संसद को कॉर्टेस कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन खेल से थॉमस कप संबंधित है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान। इसराइल की संसद को क्या कहते हैं, तो नेसेट इसराइल की संसद को कहते हैं। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई, तो 1966 में भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, तो बास्केटबॉल खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल खेल के लिए संबंधित है।
भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? तो भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप पोलो खेल से संबंधित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। इकबाल कवि जो थे, इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो कवि इकबाल पंजाब राज्य से संबंधित हैं। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो डेनमार्क देश ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्थित है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सोलन हिमाचल प्रदेश में भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय है। भारत में उच्च शिक्षा हेतु सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब की गई? तो भारत में उच्च शिक्षा सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लोसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। वाइचुंग भूटिया कौन से खेल से संबंधित हैं? तो वाइचुंग भूटिया फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। सितार एवं तबले का जनक या आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सितार एवं तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर को 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की? तो भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी 1988 में प्राप्त की। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो लिटिल अमेरिका नामक स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अभी तक भारत के किस एकमात्र खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग एकमात्र खिलाड़ी भारतीय जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? तो एडुसैट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह था। सार्क देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से लागू हुआ? तो सार्क देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो अफ्रीका के राष्ट्र अश्वेत राष्ट्र घाना को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी। डिएगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डिएगो मैराडोना फुटबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया था? तो पोखरण में 1974 में भारत ने पहला अपना आणविक परीक्षण किया था। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो भारत ने पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सबसे पहले परीक्षण किया था। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो 52 सेकेंड राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा ग्लोब पर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में आमेर का किला स्थित है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल में ड्यूस शब्द यूज़ किया जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर स्थित है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो जादवपुर में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना हुई थी।
किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो मैटसेट उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो सांबा ब्राजील का प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों ये थे 250 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।